फर्स्ट ऑफ ऑल आज वाली वीडियो मेरी दूसरी वीडियो से अलग है आई फील कि थ्री इडियट्स ने अपने मैसेज से दुनिया में काफी लोगों के दिलों को छुआ सीरियसली मुझे तो याद नहीं कि लास्ट टाइम कब किसी मूवी ने सेम टाइम पे हमें हंसाया रुलाया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने लाए सो so, आज मिस्टेक्स और सिंस निकालने के बजाय लेट्स टॉक अबाउट ऑल द ग्रेट थिंग्स फ्रॉम थ्री इडियट्स

Here's an interesting little fact. इस movie में आमिर खान का नाम वेल well, movie, लीस्ट ऑफ कृष्ण का भी एक नाम है और कृष्ण के जैसे ही आमिर भी इस मूवी में भटके हुए लोगों ना जाने इंडिया का कितना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट सिर्फर के कारण इंजीनियरिंग में वेस्ट हो गया अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल इन इंडिया टूडे सिर्फ सात परसेंट इंजीनियर ही नौकरी के लायक है एटलीस्ट इस मूवी को देखने के बाद काफी पेरेंट्स की सोच में कुछ तो फर्क आया ही होगा चार रुपए दो दो रुपए पर बैग सिर्फ चार रुपए बताओ आज के इस महंगाई भरे जमाने में भी इससे सस्ता खुली कहा मिलेगा अनदर इश्यू जिस पर की इस मूवी की रिलीज से पहले ज्यादा लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया वो है रैगिंग और बुलिंग

ये ऑल इज वेल वाली टेक्निक एक रियल फिनोमिनल है जब हम कभी ज्यादा चिंता या स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा हार्ट रेट ऊपर जाने लगता है एंड उन कंडीशन में हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब काम करना बंद कर देता है जो कि हमारे लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है तभी तो हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हर चीज मुश्किल लगती है एंड अगर हम अपना हार्ट रेट वापस नॉर्मल ले आए तो वो हमारे स्ट्रेस और एंगजाइटी को आराम से हैंडल कर सकते हैं हेयर इज अ बोनस ब्रीदिंग टेक्निक टू खार्मेन डाउन इनहेल फॉर फाइव सेकेंड देन होल्ड फॉर टू सेल फॉर एट सेकेंड्स

बिल्कुल ठीक बात है हर कोई साला एग्जाम पास करने में और पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे से ज्यादा नंबर लाने में लगा हुआ है और और नए आइडियाज डेवलप करने का टाइम ही किसके पास है आई एम सो ग्लैड दैट दिस दिस मूवी यार एक पॉइंट तो आमिर खान के लिए भी बनता है मेरे भाई कौन सी चमत्कारी जड़ी बूटियां लेता है नहीं तो कितने चौवालीस साल के आदमी एक कॉलेज स्टूडेंट के जैसे दिख सकते हैं आपके पास तीस सेकेंड है बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों का मतलब समझाना है ये वाला सीन इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल जब एक प्रेशर वाली सिचुएशन में हमारा फ्रंटल लोब काम करना बंद कर देता है और हम लॉजिक से सोचने के बजाय मीनिंगलेसली काम करने लगते हैं तो मेरे जिन व्यूवर्स के एग्जाम चल रहे हैं वो एग्जाम देते टाइम लंबे और कंट्रोल्ड सांस लेना आंसर अच्छे से याद रहेंगे मध्यम पादम तुचुक तुचुक बेस्ट बॉलीवुड मूवी स्पीच एवर। मूवी सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं हमें दोस्ती और इंसानियत का भी लेसन सिखाती है पिया का रेंचो से प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी उसकी हेल्प करना और रेंचो का राजू के पापा को बचाना इन सब के कुछ एग्जाम्पल है दिस वॉज वन ऑफ द जेन्युन शॉकिंग मूवमेंट इन मूवी वरना तो मोस्ट मूवीज में प्लॉट ट्विस्ट आर सो ऑब्वियस सो गुड जॉब मूवी फॉर अ रियली माइंड ब्लोमिंग मूवमेंट यू नो वर्क बैकग्राउंड डांसर के, तो के, के जैसे दिखता है बट बड़ा होते ही फुल हाई ब्रांड मॉडल टाइप सारा कॉलेज डिग्री के लिए नहीं सिर्फ पढ़ने के लिए आया था उसे ना लास्ट आने का डर था ना फर्स्ट आने का लालच रिमेम्बर द्री कृष्ण कनेक्शन फ्रॉम अर्लियर यहाँ पे भी गीता का मेन उपदेश यही था कि कर्म किए जा और फल की चिंता ना कर और रेंचो की फिलोसफी भी यही है कि सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो और पास और फेल होने की कोई चिंता नहीं मैन हर मूवी की तरह किसी को सेम टाइम पे हंसा और रुला नहीं सकती वो अपने कपूर साहब कह रहे थे खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आई में पढ़ता है वो क्या सोचेंगे अरे यार इस कपूर साहब जैसे के चक्करों में ना जाने कितने लोगों ने अपनी पसंद का काम नहीं किया आजकल लोग अपने दिमाग से कम और सोसाइटी क्या सोचेगी उसको ज्यादा सोचकर कोई काम करते हैं यू you know हम लोग अपना कितना टाइम दूसरों से गुस्से में हमेशा स्ट्रेस रहने लगे कि हम नेचर को अप्रिशिएट करना ही भूल गए। आई मीन जस्ट लुक एट दिस दिस इज सो ब्यूटिफुल

डैम करीना कपूर एक्ट फॉर ये वैक्यूम से परफेक्ट एग्जांपल कि अगर सभी लोग एक साथ आके काम करें तो साला क्या अचीव नहीं कर सकते जिंदा कर दिया एंड यू नो और किसने एक डेड बेबी को जिंदा किया था That's right. श्री कृष्ण ने महाभारत के एंड में अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे परीक्षित को जिंदा किया था So that's another resemblance between the two. This is probably the most beautiful movie background that I have ever seen.